सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वीडियो के जरिए एक भ्रामक दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के खिलाफ हिंसा हुई है। वायरल वीडियो और दावों के बीच कहा जा रहा है कि हिंदी बोलने वालों की पिटाई की जा रही है। वायरल होते वीडियो और दावों की खबर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने भी मामले को संज्ञान में लिया। इस घटना को लेकर बिहार के सीएम ने ट्वीट किया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं वायरल दावों के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में जीने नहीं दे रहे हैं, बाहर जाने पर खून के प्यासे हो गए। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला और हत्या की घटनाएं दर्दनाक और मन को विचलित करने वाली हैं। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन जी से आग्रह है कि तत्काल बिहार वासियों की सुरक्षा की गारंटी दें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं आरजेडी प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। जिस प्रकार भाजपा द्वारा एक फेक वीडियो और अखबार में छपी एक गलत समाचार को आधार बनाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया, एक गलत संदेश देश के सामने देने का काम किया गया, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं यह मांग करता हूं कि भाजपा सार्वजनिक रूप से अपने इस कुकृत के लिए माफ़ी मांगे। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि कल चेन्नई में वहाँ के तमिलनाडु के आदरणीय मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन था और उस अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहाँ गए और गैर भाजपा दल के कई शीर्ष नेता वहाँ उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सभा में भाग लिए उसको प्रभावित करने के लिए और कहीं ना कहीं उस पर घटिया राजनीति करने के लिए भाजपा द्वारा यह कुत्सित चाल चला गया है और यह भाजपा की साजिश रही है। और जो चेन्नई में गैर भाजपा दल के नेताओं का जो जुटाव हुआ और 2024 के लिए एक चुनौती बनने का जो प्रयास हो रहा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के कलेजे पर सांप लौट रहा है और इसीलिए एक फेक न्यूज को आधार बनाकर भाजपा जो है सुराजनीति कर रही है, यह घोर शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा को इसलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इधर पूरे मामले पर तमिलनाडु पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए एक वीडियो जारी किया है। आई एम शैलेंद्र बाबू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड हेड ऑफ द पुलिस फोर्स तमिलनाडु पुलिस स्पीकिंग। समबडी इन बिहार हैज पोस्टेड ए फॉल्स एंड मिस्चीवियस वीडियो सेइंग दैट the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false videos. Bureau report, Bihar Tak.